नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज बहुत दिन बाद मैं आया एक टेक्निकल इश्यूज लेके। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, मेरा हर बड़ी ये रिक्वेस्ट रहता है था कि आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आउटर लिड एंड इनर लिड प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी सिस्टम्स है ना, तो सेफ्टी सिस्टम्स क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सेफ्टी सिस्टम क्यों लगाया जाता है, ताकि प्रेशर कुकर फट ना जाए, बस्ट ना करे। तो देखिए, मेरे पास दो प्रेशर कुकर है, ये है आउटर लिड एंड ये है इनर लिड। ये है बटरफ्लाई कंपनी की एंड ये है हॉकिंस की। तो ये देखिए, लिखा हुआ है हॉकिंस एंड इधर देखिए लिखा हुआ है बटरफ्लाई। सो दोनों ही है स्टेनलेस स्टील का, पर उसमें क्या कुछ भी नहीं आता जाता, क्योंकि मैं तो डिस्कस करूँगा सेफ्टी सिस्टम को लेके। तो ये इनर लिड मॉडल है। तो इनर लिड मॉडल मीन्स आपका जो ढक्कन है, ढक्कन अंदर से बंद होता है। तो देखिए, मैं ढक्कन खोल रहा हूँ, ये अंदर से पूरा ढक्कन निकल के आ रहा है, तो ऐसा है। एंड ये आउटर लिड है, इसका ढक्कन बाहर से होता है। देखिए, मैं अंदर घुसा भी नहीं है, तो ऐसा है इसका डिफरेंस। तो ये है आउटर लिड एंड इनर लिड का मेन जो बेसिक डिफरेंस है, ये लिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस है। लिड अंदर से बंद होता है एंड लिड बाहर से बंद होता है एंड खोलता भी है। पर इसका सेफ्टी सिस्टम क्या क्या है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई प्रेशर, जो भी कोई प्रेशर कुकर हो, कोई भी एक कंपनी का हो, तो उसमें फर्स्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी सिस्टम है, वो है ये व्हिसलिंग सिस्टम, सीटी। जो सीटी है ये, तो इस सीटी का काम क्या है, जब प्रेशर बनता है प्रेशर कुकर में, जब वो 15 PSI क्रॉस कर जाता है, 15 PSI मीन्स 1 kg/sq cm, हर प्रेशर कुकर में 1 kg/sq cm में हुइसल आती है। ऐसा नहीं है कोई प्रेशर कुकर कम प्रेशर में हुइसल देती है, कोई प्रेशर कुकर ज़्यादा प्रेशर में हुइसल देती है। अगर प्रेशर कुकर सही ढंग से बनाया जाए एंड सब कुछ नॉर्म्स फॉलो करके बनाया जाए, तो प्रेशर कुकर, सभी प्रेशर कुकर जो ISI मार्किंग है और ईवल मार्किंग है और जो CC मार्किंग है, सभी प्रेशर कुकर 15 PSI प्रेशर और 1 kg/sq cm प्रेशर में हुइसल देती है। तो ये है फर्स्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी सिस्टम। तो ये हुइसल का काम ही होता है जब प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, 15 PSI या 1 kg/sq cm PSI, उससे ज़्यादा जब होती है, तब ये हुइसल उठ के बहुत जोर तेज हुइसल दे देती है। तो उससे आपको पता चल जाता है प्रेशर कुकर इज़ वर्किंग। तो बीच बीच में क्या होता है ना, ये जो जगह है, ये जो वेंट ट्यूब है जिसके ऊपर ये हुइसल बैठती है, ये वेंट ट्यूब का जो ये जो जो होल्स है, जो छिद्र है, ये छिद्र बंद हो जाती है। अंदर का कोई अगर कोई फ्रॉदिंग है, कुछ खाना फाना पक रहा है, तो खाना अटक गया, तो तब क्या होता है ना, ये हुइसल तो बन नहीं पाती है, तो तब क्या होगा, अंदर का प्रेशर तो ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो इनर लिड प्रेशर कुकर में क्या है, ये ढक्कन के नीचे देखिए, ये है एक सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व, ये देखिए, मैं ये जगह दिखाया, तो ये सेफ्टी वाल्व एक स्पेशल अलॉय, जो अलॉय गल जाती है आपका 30 PSI प्रेशर में, ताकि आपका जो जिस प्रेशर में हुइसल देती है, उस प्रेशर से दुगना प्रेशर में ये सेफ्टी वाल्व का जो अलॉय है, वो अलॉय गल जाती है एंड मेल्ट कर जाती है, एंड एक्सेस जो प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर निकल के जाती है। तो सेम ही ये आउटर लिड प्रेशर कुकर में भी है। ये देखिए, सेफ्टी वाल्व है, ये सेफ्टी वाल्व है, तो ये सेफ्टी वाल्व इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए गल गया है ना, तो सेमी प्रेशर में गल जाती है, यही ये सेफ्टी नॉर्म्स है। तो उसमें क्या होता है, सेफ्टी वाल्व तो फट गया है, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सेफ्टी वाल्व फट गया है, तो सेफ्टी वाल्व फट जाती है एंड प्रेशर निकल के आती है। आउटर लिड में इधर रहता है, सॉरी इनर लिड में ये ढक्कन के तला रहता है एंड आउटर लिड में बाहर रहता है, तो ये पूरा डिफ्लेक्ट करके ऊपर चले जाती है एंड ये डिफ्लेक्ट होकर नीचे चले आती है। तो ये तो डिफरेंट इशू गया। पर आउटर लिड में और एक सेफ्टी सिस्टम है, दैट इज़ गैस्केट रिलीज सिस्टम। आप लोग जो आउटर लिड प्रेशर कुकर खरीदे हैं, देखेंगे ये ढक्कन के जो जो हैंडल है ना, लिड का जो हैंडल है, इसका जो रियर एंड साइड में एक ये एक स्लॉट है, इसको गैस्केट रिलीज सिस्टम स्लॉट भी कहा जाता है। तो ये गैस्केट रिलीज सिस्टम का काम क्या होता है, अगर कोई कुछ कारण पे ये सेफ्टी वाल्व फ्यूज हो नहीं पा रहा है, तब क्या होता है, ये जो गैस्केट रिलीज सिस्टम है ना, ये गैस्केट रिलीज सिस्टम काम करती है। क्या होता है, अंदर का प्रेशर का दबाव से ये गैस्केट बाहर निकल के आती है एंड इधर से पूरा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ऊपर उठ जाती है। अगर ये स्लॉट कोई कोई प्रेशर कुकर में दिया होता नहीं है, तो गैस्केट अगर बाहर निकल आती है, तो नीचे से प्रेशर
चले जाती है एक्सेस प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर फटने का कोई भी चांसेस नहीं रहता। तो यही है आउटर लिड एंड इनर लिड प्रेशर कुकर का डिफरेंस। इनर लिड प्रेशर कुकर में से व्हीसल के सिवा और एक सेफ्टी वाल्व है, पर आउटर लिड में व्हीसल के सिवा सेफ्टी वाल्व भी है। एंड ये जो गैस्केट रिलीज सिस्टम मैंने जो आप लोगों को दिखाया, ये गैस्केट रिलीज सिस्टम है। ये जो प्रेस्टीज टीटीके ने पहले 1983 में इसका डिस्कवर किया इसको टीटी जगन्नाथन ने। तो उसके बाद उन्होंने इसको पेटेंट नहीं लिया। तो अभी सभी आउटर लिड प्रेशर कुकर का जो कंपनी है सभी ये फॉलो करते हैं सेफ्टी वाल्व एंड गैस्केट रिलीज सिस्टम। एंड इनर लिड सिस्टम में सिर्फ सेफ्टी वाल्व भी है और कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए टेक्निकली आउटर लिड प्रेशर कुकर मच सेफर। अगर आप लोग सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सिस्टम, दो सेफ्टी सिस्टम है, सेफ्टी वाल्व एंड गैस्केट रिलीज सिस्टम, पर इनर लिड सिस्टम में सिर्फ सेफ्टी वाल्व है। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सिस्टम आउटर लिड प्रेशर कुकर इज मच सेफर देन इनर लिड। पर टेक्निकली डिफरेंस तो बहुत सारा है, तो वो मैं बहुत बार डिस्कस कर भी चुका हूँ, नेक्स्ट कोई एक दिन डिस्कस कर लूँगा। तो अभी शायद आप लोगों को समझ में आया कौन सा कुकर में कैसा कैसा सेफ्टी सिस्टम रहता है। तो नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। एंड अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन को थोड़ा सा दबा दीजिएगा। थैंक यू, बाय।